पुंछ जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। तलाशी अभियान के दौरान हाडीगुड़ा गांव में एक आतंकी ठिकाना मिला है, जिसे नष्ट कर भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। खुफिया सूचना के आधार पर शनिवार को बीएसएफ, सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान जंगल में बनाया गया एक आतंकी ठिकाना मिला, जहां से सुरक्षा बलों द्वारा एक AK-47 राइफल, AK-47 राइफल की 3 मैगजीन, 82 कारतूस, चीन निर्मित 3 पिस्टल, पिस्टल की 5 मैगजीन, 33 कारतूस, 4 ग्रेनेड, 1 UGBL के साथ ही अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम द्वारा शुरू किया गया तलाशी अभियान अभी भी जारी है। ये हाडीबुड्डा एरिया है, पुलिस स्टेशन मंडी में आता है। इस जॉइंट सर्च ऑपरेशन में SOG पुंछ, उसके साथ साथ 183 BSF की बटालियन और 16 RR ने जॉइंटली इसको कंडक्ट किया। और ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन जो फॉरेस्ट एरिया जब सर्च कर रहे थे, तो एक हाइड आउट जो है वो मिली है। उस हाइड आउट में जो आर्म्स एंड एम्युनिशन की जो ह्यूज रिकवरी हुई है, उसकी डिटेल इस प्रकार से है। AK-47 एक राइफल है, उसके साथ उसकी 3 मैगजीन हैं, चाइनीज़ पिस्टल हैं 3 और उनके साथ 5 मैगजीन हैं, हैंड ग्रेनेड जो हैं वो 4 हैं, UBGL ग्रेनेड 1 है और इसके साथ साथ एक हैंडसेट भी जो है वो बरामद हुआ है। और आर्म्स एंड इसके साथ जो एम्युनिशन है वो भी हमने रिकवर किया है। ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वो एरिया जो है वो वीक मिलिटेंसी के दौरान काफ़ी वहाँ मिलिटेंट्स की प्रेजेंस थी और इस तरह की हाई रोड जो बस्ट होने से जो दुश्मन के जो इरादे हैं वो नाकामयाब हुए हैं। क्या लगता है? देखिए, रिपब्लिक डे को देखते हुए हम लोग अपनी जो सर्च ऑपरेशंस हैं या पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं वो इंटेंसीफाई करते हैं। और इसी दौरान जब ये हमें खबर आई कि जो इस तरह के ग्रे एरियाज रहते हैं उनको हम सर्च करते हैं और उसी में हमें ये रिकवरी जो है।